पिछले वीडियो में आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन, उसके कैपेसिटेंस को देखा था जो कि अभी भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। और उस समय बीच का जो गैप था वो एयर था। अभी बीच के गैप में हम लोग एक काम करते हैं, एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कर लेते हैं। डाइइलेक्ट्रिक भी एक इंसुलेटर जैसा ही होता है, थोड़ा सा उसके प्रॉपर्टीज डिफर करते हैं, ओके। और कुछ सब कुछ सेम। इसका थिकनेस को आप टी मान लीजिए, टी एज्यूम कर लीजिए। अभी क्या होगा कि ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएंगे, लेकिन उतने नहीं आएंगे जितना क्यू है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है। और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, यानी इसके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। पहले यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एयर में, एयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तो ई नॉट था। अभी देखिए, अगर अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखें तो पॉजिटिव से नेगेटिव इसका डायरेक्शन अपोजिट। इसके कारण इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिनोट करेंगे वो आपको ई नॉट माइनस ई आई के बराबर होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस ई आई के बराबर होगा। चलिए, अब हमने जो प्लेट प्लेस किया है उसकी बात करें। मान लें कि ये थिकनेस टी है। अब यहाँ से यहाँ तक का गैप और ये वाला गैप कितना है हम नहीं जानते एग्जैक्टली। बीच में भी प्लेस कर सकते हैं, इधर उधर भी प्लेस कर सकते हैं। तो इधर x मान लीजिए और इधर से y मान लीजिए, ओके। तो पहली बात तो आपको यहाँ पर नज़र आ गया, यहाँ पर दिख गया। क्या दिख गया कि हम अगर क्या करें, x प्लस टी प्लस वाई करें तो d के बराबर होगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू डी माइनस टी। ये इक्वेशन वन मान लें। ये सब सभी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और यही रहेगा। हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, दैट इज इक्वेशन वन तक। लेकिन इक्वेशन वन तक पहुँचने के पहले जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता, पोटेंशियल डिफरेंस सिंगल होता, अभी हमारे पास तीन डिफरेंट तरह के पोटेंशियल मिलेंगे या डिफरेंस मिलेंगे। एक तो पॉजिटिव प्लेट और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच, दूसरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब के विदिन, और तीसरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब के आउटसाइड। तो यहाँ पर हम लोग सीधे यहाँ लिखते हैं। नाउ जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा भी, वो एक तो एक्स के वजह से होगा, एक टी के वजह से होगा, एक वाई के वजह से होगा। हमारे पास भी का रिलेशन है ई नॉट इंटू डी, लेकिन इस गैप में ये जहाँ पर एयर है वहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। यहाँ पर भी गैप जहाँ है वहाँ ई नॉट है, लेकिन बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे होंगे ई हो गया है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखने होंगे सभी के लिए। तो यहाँ पर ई नॉट और डिस्टेंस गैप कितना है, भी इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी तो होता ही है, तो ई नॉट इंटू एक्स लिखना होगा। यहाँ पर अगर लिखेंगे तो T गैप के लिए E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E इंटू टी लिखेंगे, और इस जगह पे Y गैप के लिए है इसलिए इंटू वाई लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ से क्या रिलेशन आ जाए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम फिर वापस लिखते हैं कैसा, अगर E नोट को कॉमन ले लें तो यहाँ X प्लस वाई प्लस ई इंटू टी, ओके। एक्स प्लस वाई एक्सप्रेशन में निकाला हुआ है, डी माइनस टी है, प्लस ई इंटू टी रख लीजिए। इसको इक्वेशन नंबर टू मान लीजिए, इक्वेशन वन से वैल्यू पुट करने के बाद। अब थोड़ी और बातें करनी होंगी। हाँ, वापस चलना होगा कहाँ, जहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ में, मीडियम में आपने बात की थी।
याद होगा एफ नोट बाय एफ फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम को आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा था। आपने क्या, मैंने ही कहा था, हम सब ने कहा था, ठीक है। अगर हम इसको एफ नोट बाय क्यू करें या क्यू नोट करें और यहाँ पर एफ बाय क्यू नोट करें तो फोर्स बाय चार्ज क्या होता है ये बताइए। तो फोर्स बाय चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ऊपर से ये ई नोट हो गया और ये आपका केवल ई हो गया। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो यहाँ से आप अगर ई लिखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक स्लैब, तो इसको ई नोट डिवाइडेड बाय के लिखेंगे। ई नोट डिवाइडेड बाय के मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई था वो एक्चुअली इसके बराबर होगा। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ वो तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप करेंगे क्या, आसानी से 2 एंड 3 को एक साथ क्लब करेंगे, और 2 एंड 3 को क्लब किया तो आपके पास देखिए v इज इक्वल टू, हाँ यहाँ से तो e नोट d माइनस t प्लस e के जगह पर e नोट बाय k और इन टू t हो जाएगा। तो फाइनली आपका e नोट सबसे कॉमन आ गया। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ t बाय k। चलिए ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अभी एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं। e नोट का वैल्यू पिछले बार जो था वही रहेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर d माइनस t प्लस t बाय k हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर एक काम कीजिए, सिग्मा को क्या लिखेंगे, q बाय a लिखेंगे इंटू एप्सिलॉन नॉट। नोट करते चलिए, है ना, स्टेप्स काफ़ी क्लियर और स्पष्ट हैं। क्लियर का ही नाम स्पष्ट हिंदी में। अभी ये तो भी हुआ, तो यहाँ से मैं भी बाय क्यू ले सकता हूँ। शायद आप लोग तब इसको ऐसा लिख पाएंगे, आप देख रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, तो ए एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब मैं यहाँ से वापस ऊपर की तरफ चलता हूँ, यहाँ तक आप नोट कर लें। नोट करने के बाद अब देखिए इस स्टेप को हम थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, q बाय भी कर लेते हैं। तो v बाय q इतना था, तो q बाय भी आपके पास a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, है ना, d माइनस t प्लस t बाय k आ जाएगा। जाना पहचाना लेफ्ट साइड का इक्वेशन q बाय भी, q बाय भी, हाँ वही कैपेसिटेंस है, इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d माइनस t प्लस t बाय k। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है एक्सप्रेशन पहले वाले से। पहले का सीधे सीधी a एप्सिलॉन नॉट बाय d आया था, तो इसको हम c प्राइम लिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी ये एक्सप्रेशन मिल गया कैपेसिटेंस किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही, विथ डायलेक्ट्रिक स्लैब इन द गैप। गैप में अभी डायलेक्ट्रिक स्लैब को रखा है हमने। वेल, अभी तक का एक्सप्रेशन, तजुर्बा, है ना, नॉलेज, सब कुछ काफ़ी क्लियर होगा, क्लियर होना भी चाहिए, है ना। एक एक चीज़ को क्लियर करते चलिए, शुरू से निरंतर पढ़ते चलिए, लगातार पढ़ते चलिए, तो दिक्कत नहीं आएगी, कंटिन्यूटी बरकरार रहे। हाँ, अब मैं एक रिजल्ट तक पहुँचना चाहता हूँ। रिजल्ट तक क्या पहुँचना चाहता हूँ कि ये कैपेसिटेंस पहले वाले से ज़्यादा हुआ या कम हुआ या उसके बराबर ही है। तो हम कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक्सप्रेशन के हिसाब से ही चलेंगे। एक्सप्रेशन के हिसाब से ही अगर चलें, अगर हम ऐसा लिखते हैं कि एक d, उसके नीचे तो d था और इसमें d माइनस t प्लस t बाय k है, क्या रिलेशन होगा। तो एज्यूम कर लेते हैं एक चीज, है ना, मान लीजिए कि d आपका 50 था, t आपका 10 था, ठीक है, और k आपका, ये d का वैल्यू हो गया, ये t का वैल्यू हो गया, k का वैल्यू 5 ले लीजिए। यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, 50 माइनस 10 प्लस
10 बाय 5 और इस तरफ 50 है। हाँ, तो ऐसे केस में ये क्या होगा, 50 ओके, और यहाँ पर 10 बाय 5 2 हो गया, 52 माइनस 10 यानी 42, 50 से कम होगा, यानी ये ऐसा साइन। इस चीज़ को समझ लीजिए क्योंकि इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है आगे चल करके। ये समझ गए है ना कि ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है ना वो आपका डी से कम है। वेल, नंबर भर करके देख सकते हैं। हाँ, के का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच में होता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको रहना चाहिए। अभी अगर हम 1 बाय है ना डी माइनस टी प्लस टी बाय के करें तो इधर भी 1 बाय डी कर सकते हैं और इनइक्वलिटी अब रिवर्स कर जाएगा क्योंकि आपने रेसिप्रोकल निकाला है ना, 5 ग्रेटर देन 3 ठीक है, तो 1 बाय 5 अगर लिखते हैं और 1 बाय 3 लेते हैं तो इनइक्वलिटी अपने आप रिवर्स हो जाता है। रेसिप्रोकल निकालने से इनइक्वलिटी रिवर्स होता है और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाता है, ये बात याद रखेंगे। अच्छा, दोनों तरफ सेम से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी में चेंज नहीं होता, यहाँ भी ये एब्सोल्यूट नोट कर दिया, यहाँ भी ये एब्सोल्यूट नोट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपको ये एब्सोल्यूट नोट बाय दिस, ये तो सी डैश है ठीक है, और यहाँ पर ये सी का एक्सप्रेशन था, यानी इस केस में कैपेसिटेंस है ना विल इंक्रीज, सी डैश ज़्यादा हो गया ना, तो अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाएंगे तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, ये बात आप याद रखेंगे ओके। अब एक चीज़ और हो सकता है डिस्कशन में कि दो जो प्लेट थे ठीक है, दो प्लेट के बीच का जो एरिया था, गैप था, उसको पूरी तरह से अगर हम डायलेक्ट्रिक स्लैब से फिल कर दें तो ऐसे केस में क्या होगा, डी इज इक्वल टू टी हो जाएगा। और अगर आपने ऊपर डी इज इक्वल टू टी फिल किया तो सी डैश इज इक्वल टू ऊपर तो ए एब्सोल्यूट नॉट ठीक है, यहाँ डी माइनस डी जीरो और यहाँ पर हो जाएगा डी बाई के, यानी डी बाई के ऊपर चला जाएगा। ये कैलकुलेशन फिर से समझ लीजिए, अगर हमने क्या किया कि यहाँ पर डी और टी को इक्वल पुट किया तो ये तो जीरो हो जाएगा और यहाँ डी बाई के और के तो ऊपर चला जाएगा तो ये के ए एब्सोल्यूट नॉट बाय डी, यानी ये के टाइम्स सी, यानी इंक्रीज तो किया है ना, इंक्रीज तो किया लेकिन कितना, तो इंक्रीज किया कितना, के टाइम्स, वो भी स्पेशल कंडीशन, अगर गैप को पूरी तरह से फुल्ली फिल कर दें तब है ना, इसमें क्या है फुल्ली फिल्ड का केस है, पूरी तरह से आपने फिल कर दिया गैप को डायलेक्ट्रिक स्लैब से, तब कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा।